तो आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो इनेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसे इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करोगे तो आपकी फ़ोटो की बैकग्राउंड यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इतना ही आसान है इस एप्लीकेशन के अंदर से किसी भी फ़ोटो की बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है, इसे किस तरह से यूज करना है, ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में चलिए अब बात करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको तो मालूम है पिक्सल लैब एप्लीकेशन के बारे में, लेकिन आप यूट्यूबर नहीं हो और आपको मालूम नहीं है पिक्सल लैब एप्लीकेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर के अंदर भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगा। आप उसे फॉलो करके बहुत ही आसानी से इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, अपने फोटो की बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो जैसे ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस एप्लीकेशन की जो इंटरफेस है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो करना है, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ एक प्लस का लोगो दिखाई दे रहा है, आपको इस लोगो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑप्शन खुल के आएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रॉम गैलरी बोल के एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको उस फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है जिस फोटो का बैकग्राउंड आप इरेज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे उसी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस फोटो की बैकग्राउंड को मैं थोड़ी देर पहले इरेज करके दिखाया था। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, आप यहाँ पे चाहो तो अपने हिसाब से इस फोटो को क्रॉप भी कर सकते हो। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो टिक का निशान दिखाई दे रहा है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो वो जो फोटो है आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने फोटो को सेट कर लेना। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे अपने फोटो को PNG में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब आपकी फोटो की जो बैकग्राउंड है उसे इरेज करने के लिए, सबसे पहले जो आपको करना है, आपको यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर टच कर देना है। टच करने के बाद आपकी फोटो की बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर टच करने के लिए मैंने आपको क्यों कहा है, इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद में ही पता चल जाएगा। इस बार आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के जाएगा। आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे इन ऑप्शन के अंदर से एक ऑप्शन को ढूंढ लेना है, इरेज कलर बोल के एक ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन को ढूंढ लेना है। जैसे ढूंढ लोगे तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर टच करना है। टच करने के बाद आपके पास यहाँ पे वो वाले ऑप्शन खुल के जाएगा, यहाँ पे आपको जो करना है, आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। जैसे इसे इनेबल कर दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपकी जो फोटो की बैकग्राउंड है वो यहाँ से एकदम हट चुका है, लेकिन आपकी फोटो के अंदर से भी कुछ कलर मिसिंग है जो आप यहाँ से अपनी फोटो को जूम करके देख सकते हो। हो सकता है आपकी फोटो की फेस के भी कुछ कलर इस तरह से मिसिंग हो जाए। तो इसे सही करने के लिए आपको यहाँ पे जो करना है, नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से दो ऑप्शन खुल के आएगा। आपको यहाँ पे अपने फोटो के हिसाब से इसे घटा के बढ़ा के देख लेना है कि आपकी फोटो के हिसाब से एक किस पोजीशन पे रहना चाहिए, ताकि आपकी फोटो की कोई भी पोर्शन मिसिंग ना हो और आपकी फोटो की बैकग्राउंड भी बहुत ही आसानी से इरेज हो जाए। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हो, मेरी फोटो की बैकग्राउंड एकदम इरेज हो चुका है और यहाँ पे मेरे फोटो के अंदर भी कोई कलर मिसिंग नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना है, आप जिस फोटो की बैकग्राउंड को इरेज करना चाहते हो उस फोटो की बैकग्राउंड एक ही कलर का होगा, तो ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी फोटो की बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। अगर आपकी फोटो की बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारा कलर है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी फोटो की बैकग्राउंड को इरेज नहीं कर पाओगे। उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, वो भी आप इसी एप्लीकेशन के अंदर से कर सकते हो। उस प्रोसेस के बारे में भी आप जानना चाहते हो कि आप किस तरह से अपनी फोटो की बैकग्राउंड पे मल्टी कलर होगा तो उसे कैसे आप इरेज कर सकते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बोल सकते हो। अगर उस टॉपिक के ऊपर कम से कम 10 कमेंट आ जाता है तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आप अपने फोटो को एडिट करने के लिए पीकार्ड एप्लीकेशन को यूज करते हो तो मैं आपको बता दूं, मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो पहले बना के रखा है। चाहे आपकी फोटो की बैकग्राउंड कोई भी कलर की हो, उसके बैकग्राउंड को आप बहुत ही आसानी से इरेज कर सकते हो। उस वीडियो के अंदर मैंने 4-4 तरीके बताया है पीकार्ड के माध्यम से अपनी फोटो की बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए। आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो को मैं इस वीडियो की लास्ट में पिन कर दूंगा, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपनी फोटो की बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम को फेस करते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बोल सकते हो। आपको आपके सवाल की जवाब 24 आवर के अंदर मिल जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मैं आगे चल के इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक की नए नए वीडियो को लेकर आऊँ आपके लिए, तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं आगे इससे भी बढ़िया एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।